पिंक बॉल टेस्ट मैच, डे नाइट टेस्ट मैच, ना जाने कितने नाम इस मैच के पड़ गए। पहला दिन रहा, बांग्लादेश ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी की और पूरी टीम 106 रनों पर सिमट गई। तारीफ करनी होगी टीम इंडिया के गेंदबाजों की, जिन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बांग्लादेश के विकेटों को लिया। ईशांत शर्मा ने 12 ओवर में 22 रन देकर 5 विकेट चटके। उमेश यादव ने 3 विकेट अपने नाम किए और मोहम्मद शमी कहां पीछे रहने वाले थे, वो भी 2-2 झटक ही गए। इस तरीके से पूरी बांग्लादेशी टीम आउट हो गई। इसके बाद बल्लेबाजी की बारी थी टीम इंडिया की। ओपनिंग करने आए मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा, आते तो तूफानी बल्लेबाजी की, 4 ओवर में ही 26 रन कूट डाले। लगने लगा कि ये तो भूल गए कि ये टेस्ट है। उन्होंने वनडे के अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, लेकिन मयंक अग्रवाल 3 चौके लगाकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद रोहित शर्मा भी LBW हो गए 21 रनों पर, और आगे की सारी कहानी शुरू कर दी फिर चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली ने। चेतेश्वर पुजारा ने शानदार अर्धशतक लगाया, धमाकेदार बल्लेबाजी की। हालांकि उसके बाद चेतेश्वर पुजारा 55 रनों पर आउट हो गए, लेकिन विराट ने अपना अर्धशतक पूरा किया। उसके बाद दिन का खेल खत्म होने तक अजिंक्य रहाणे भी क्रीज पर मौजूद रहे और भारतीय टीम ने 174 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। इसी तरह से भारतीय टीम की लीड भी हो गई 68 रनों की। अब 7 विकेट हाथ में है और देखना होगा टीम इंडिया बांग्लादेश को कितने रनों की लीड देती। इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए।